पुलिस और प्रशासन की सख्ती से सोनकच्छ में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान रविवार रात माहौल गर्मा गया। पुलिस और प्रशासन को जुलूस में डीजे बजने पर आपत्ति थी, जिसके कारण बजरंग चौराहे से जुलूस वापस लौटा दिया गया। पुलिस इस दौरान गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक इस मामले को लेकर सोनकच्छ बंद की घोषणा भी की गई है। नगर में रविवार को अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाले विसर्जन चल समारोह में रात करीब 10 बजे माहौल गर्मा गया। प्रशासन एवं पुलिस की तानाशाही से विसर्जन चल समारोह में निकलने वाली मूर्तियों को नगर के बजरंग चौराहे पर रोक दिया गया। थाना प्रभारी मनीष मिश्रा द्वारा जुलूस को बजरंग चौराहे पर रोका, जिससे नगर के मुख्य चौराहों पर लगभग आधे घंटे तक जाम लगा रहा और जुलूस आगे नहीं बढ़ पाया। जुलूस रुक जाने की सूचना पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नीता राठौर, SDOP कुलवंत सिंह एवं तहसीलदार PS पटेल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जुलूस रुके जाने के कारण नगर के खेड़ापति मित्र मंडल द्वारा ऑर्केस्ट्रा का आयोजन विसर्जन चल समारोह में किया जाना था, जिसमें गायक द्वारा ऑर्केस्ट्रा पर भजन गाए जा रहे थे और प्रशासन को यह आपत्ति थी कि जुलूस में डीजे प्रतिबंधित है। पिछले कई वर्षों से नगर के इतिहास में पहली बार विसर्जन चल समारोह बीच में ही वापस लौटा गया। इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी कुलवंत सिंह का कहना है कि डीजे पर पूर्व में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था एवं किसी भी प्रशासन के किसी भी व्यक्ति द्वारा शब्दों का प्रयोग किया गया तो अगर लिखित आवेदन प्राप्त होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जुलूस के वापस लौटने के बाद नगर के करीब 10 समितियों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए और आज सुबह अनिश्चितकालीन नगर बंद की घोषणा की गई, जिसके चलते आज सुबह से ही नगर बंद है। सोनकच्छ से दीपक झाला की रिपोर्ट।